क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन. अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद द सेम मोमेंटम पी सच दैट पी इज परपेंडिकुलर टू द बी. ओके, देन दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस. अब सर्कुलर पाथ का क्या मतलब है ये देख लेते हैं. देखिए, एक प्रोटॉन है या एंड अ न्यूट्रॉन, सॉरी एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, तो ये सर्कुलर पाथ लेंगे. हाँ, बिल्कुल सही है, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा. अब जब ये घूमेगा तो आप जानते हैं कि बी वी जो पी क्या है, पी इज इक्वल्स टू मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है, एम वी के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी जो है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और वी और बी के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो पाथ कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना ही चाहिए, इट इज़ कन्फर्म. तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी की बराबर, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, क्योंकि इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से सर्कुलर होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी. अब चार्ज है, यहाँ पे आप प्रोटॉन रख लीजिए, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन रख लीजिए. ठीक है, तो क्यू वी बी इज़ द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस क्यू, सॉरी द एक्चुअल फॉर्मूला इज क्यू वी क्रॉस बी होता है. ठीक है, एंड दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, अब थीटा किसके बीच में, वी और बी के बीच में. देखिए, वी और बी के बीच में एंगल कितना जा रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल रहे हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. देन द आंसर द फॉर्मूला बिकम्स क्यू वी. ओके, अब ये बोल रहे हैं कि इट टेक्स अ सर्कुलर पाथ. देखिए, अगर सर्कुलर पाथ लेना है इसको, तो जाहिर सी बात है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सर्कुलर के लिए फॉर्मूला होता है. सेंट्रिपिटल फोर्स इधर लगता है ना, सेंटर की तरफ लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर. तो सेंट्रिपिटल फोर्स को बराबर होना ही पड़ेगा, ये सेंट्रिपिटल फोर्स को बराबर होना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स के, विच इज़ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स के, विच इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी. अब वी से वी गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम वी बाई आर, विच इज़ इक्वल्स टू क्यू बी. राइट, अब आर को आप इधर लेके आएंगे तो बचेगा आपके पास एम वी बाई क्यू बी, और एम वी को ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम, दैट इज क्यू बी इज इक्वल्स टू आर. तो जो रेडियस वो पाथ लेगा वो कितना लेगा, कैपिटल वी इक्वल्स टू क्यू पी क्यू बी. ठीक है, अब यहाँ पे क्यू है जो चार्ज है. ठीक है, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है, तो द इन मैग्नेट ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर आया. तो अब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इसमें 16 है, इन कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड डिसअपियर्स. मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल